अबे सुबह सुबह ये का मटर मटर कर दिया अबे किसी ने। अबे जल्दी से एम्बुलेंस का कॉल करता हूँ, ये मर मुरा जाएगा। अरे गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया कत्तों ने। अबे ये बंदा मर नहीं जाए, जल्दी से फोन लगाता हूँ। किधर है? हेलो भैया, यहाँ पे ना ये स्पार्ट लग गया, यहाँ पे बंदूक चल गई है बहुत बुरी। ये बंदा ना थोड़ा बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है उसकी। जल्दी से आ जाओ। हाँ जल्दी, हाँ चलो ठीक है ठीक है, ये लोकेशन में व्हाट्सअप करो। हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ आ जाओ। अबे बड़े गाड़ी में चलाऊँ क्या? अबे नहीं जा रहा भाई, मैं चलाता रहूँ। अबे तो वो धीरे धीरे चला रहा है, तुम चुपचाप बैठो ना। हाँ नहीं तो तुम हर कभी ये देख, मैं भी तो कर सकता हूँ। ये देखो तुम कर सकते हो तुम। अबे 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 वो समझ ले रही गाड़ी क्या बात है। अबे मोड़े यार तू मुझे दे देता। अबे वैसे भी तेरा भाई कितनी खतरनाक गाड़ी चलाता है। हाँ ये गाड़ी आ रहा है। अरे शारा भाई देख, अबे सामने भीड़ लगी है क्या बात है? ये एम्बुलेंस वगैरह भी खड़े हुए, पुलिस ऑफिसर भी खड़े हुए, क्या बात है यार? अबे ये तो अपनी तूफान है। अबे अबे मोड़े अपनी तूफान लग रही है वह। क्या करें शारा भाई, पूछे क्या? हाँ पूछना। अरे इंस्पेक्टर साहब ये मसला क्या हो गया सर, कुछ हो गया क्या? ओ भैया यहाँ पे ना बहुत खतरनाक वारदात हो गई है। अच्छा चलो मैं जाके देखता हूँ। अरे शाहरुख तू मेरे पीछे पीछे आवे, अपनी तूफान है भाई। हाँ मोड़े चल तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। चलो इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे क्या हुआ है? बेटा यहाँ पे ना दिन दहाड़े गोलियां चल गई है एक इंसान पे। ये जो गाड़ी देख रहा हूँ पीले कलर की, इसी आदमी को मार दिया उन लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? ये गाड़ी वाले को कुछ हुआ तो नहीं? अबे बेटा इनका तो स्पार्ट ही लग गया मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लग रहा है हालत बहुत खराब थी उनकी। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हो, मर गया क्या वो? अबे शारो कैसी बात कर रहा है, चुप हो जा बे, तूने मार ही दिया उन्हें। इंस्पेक्टर साहब आप तो ये बताओ उनको ज्यादा लगी तो नहीं है? ओ बेटा मैं क्या बताऊँ, उनका तो बहुत बुरा हाल था, मेरे हिसाब से तो भैया वो निकाल फरमा लिए। अरे इंस्पेक्टर साहब सही सही बताओ, मतलब कहाँ क्या गोली लगी क्या उन्हें? हाँ बेटा उनको गोली तो लगी है, पसली के जस्ट नीचे उनको 3 गोलियां लगी है और बड़ी गंभीर है यार उनकी सिचुएशन। बाकी तो यार ये भाई साहब खड़े ने फोन करके बोल दिया था, तो फटाफट से एम्बुलेंस आ गई थी तो वो ले गई। अब ये गाड़ी को भी हम ले जा रहे हैं थोड़ी देर में। शारो मेरे भाई अब बता क्या करें अपन? अब क्या करेगा भाई, अब जो होना तो हो गया। अब यार वैसे चाचा की बड़ी फिक्र हो रही है मुझे भी यार, बड़े अच्छे इंसान थे यार वो। अबे तू कहाँ जा रहा है? अबे गाड़ी देख रहा हूँ। अबे गाड़ी का तो यार कबाड़ा कर दिया सालों ने। अबे गाड़ी में देख कितनी गोलियां लगी है मेरे भाई। अबे मुझे तो नहीं लग रहा चाचा बचे होंगे यार, मुझे तो भाई टेंशन हो रही है मेरे भाई यार। अबे बेटा अपना दिल छोटा मत कर मेरे भाई, इंस्पेक्टर साहब ने कह रहा था ये जिस पे गोली चली है वो आदमी कहाँ है थी? हाँ बेटा वो इनको, अरे बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी, तो शैंडी सूरज वालों ने पलेटो में रेफर कर दिया, अभी तो वो वहीं है फिलहाल, पता नहीं क्या सिचुएशन है कि भी नहीं है। आप ऐसा मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी मत बोलो। हाँ नहीं तो वो शाहरुख क्या करें बता, चले क्या अपन पलेटो? अबे मोड़े जल्दी गाड़ी उठा, चल यार वहीं चलते हैं। अरे यार बहुत बुरी कंडीशन होगी यार उनकी, आवे सोचो क्या हालत होगी चाचा की। बेटा तुम लोग के चाचा लगते हैं क्या वो? इंस्पेक्टर साहब वो तो ऐसे निकल जाता है इसके मुंह सर कुछ। चल शाहरुख जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ। हाँ चल जल्दी चल, कहाँ चल रहा तू ये तो बता। अबे शाहरुख यार पलेटो में एडमिट है यार चाचा, यार जल्दी से वहीं चलते हैं। अबे शाहरुख यार अभी अब्बा को भी पता नहीं चला यार, अब्बा को बता दें क्या कहता है? अबे काहे के लिए बता रहा है, वो मीटिंग में गए, वो आ जाएंगे अपनी मीटिंग छोड़ के, तेरा गिफ्ट भी नहीं आ पाएगा फिर। अबे शाहरुख कहते को अभी गिफ्ट की पड़ी है यार, मेरे को खुद को नहीं पड़ी गिफ्ट की, अभी चाचा की बड़ी फिक्र हो रही है यार शाहरुख यार। देख अरे बता मेरे भाई। अबे यार तू एक काम कर, जल्दी स्पेंड रोड अपन चलते हैं डायरेक्ट पलेटो, वहीं पे देख लेंगे क्या हालत है उनकी। अबे वैसे वो बहुत अच्छे इंसान थे, तू घर पे वो सही था डो। तू एक काम कर, तू अपनी स्पेंड रोड अपन चलते डायरेक्ट पलेटो, वहीं पे देख लेते क्या हालत है। हाँ भाई शाहरुख तू सही कह रहा है मेरे भाई, अबे मैं तो सोच रहा हूँ शाहरुख बता देते हैं अब्बा को। अबे पागल हो गया, वो घबरा जाएंगे यार, वो इतनी दूर से आएंगे का शिमला से, कैसी बात कर रहा है ना तू पलेटो, चल अभी जल्दी से। अबे तू टेंशन मत ले चाचा को कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे तो भरोसा ना मोटे। शाहरुख भाई तू सही कह रहा है, तेरी बात पे तो मुझे भरोसा है भाई। अबे फिर भी यार टेंशन हो रही है, मेरे चाचा थे यार, अब पास के तो नहीं थे लेकिन बहुत दूर वाले भी नहीं थे यार, मेरे पापा के खास थे यार, इस वजह से यार बहुत टेंशन हो रही है। अबे अगर चाचा की दुश्मनी किससे हो गई मेरे भाई, अब कौन मार सकता है, सोचने वाली बात है यार। सैंडी सोरोस में अभी तो अपन आए हुए हैं, नया नया मामला था अपना। अबे आगे बेटे तू ये बात तो सही कह रहा है, अबे अगर कौन है भाई जो अब चाचा को मारेगा, अबे सोचने वाली तो बात है। हाँ नहीं तो उनकी दुश्मनी कुछ नहीं दिखा किसी से। अबे शाहरुख मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है बे, वो तो मेरे पापा की हिफाजत में रहते हैं यार पूरे टाइम, पता नहीं हो गया होगा किसी से लफड़ा, लेकिन यार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि चाचा पे गोली चलवा दी यार, मतलब माइकल अंकल का कोई खौफ ही नहीं है भाई सैंडी सोरस में। अबे हाँ बे शाहरुख मेरे भाई ये तू सही कह रहा है, अबे अब्बो को बता दे बोल क्या करें, बता दें क्या? मैं बोल देता हूँ, मैं अब्बो को फोन करके बोल देता हूँ क्या बोलता है। अबे तू पागल मागल तो नहीं हो रही है मोटे, काहे के लिए फोन लगा रहा, परेशान हो जाएंगे वो। अबे अपन ही संभाल लेंगे, इतना तो वे कुछ भी नहीं हुआ, अब दुआ करे यार चाचा को कुछ नहीं हो। हाँ यार शाहरुख भाई मैं तो दुआ ही कर रहा हूँ, मेरे चाचा को कुछ नहीं हुआ यार, बड़े मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ अल्फाज नहीं निकल रहा मुँह फिर से यार मेरे भाई यार, बड़ी टेंशन हो रही थी, हाथ कब कब आ रहा देख तू यार, हाथ टच कर। अबे मोटे पागल हो रही है क्या, अभी तेरा हाथ टच करूंगा गिर गया फिर मुँह टूट जाएगा दोनों का। हाँ यार शाहरुख भाई तू सही कह रहा, अभी आ गए पहले तो आ गए, कहाँ चले? राइट ले ले, अबे राइट ले ले, यहाँ से सीधे जान दे, यहीं पे तो एक हॉस्पिटल है, यहीं आसपास ही तो है गलियों में, पूछ ले किसी से कोई बता देगा। हाँ यार शाहरुख भाई पूछता हूँ यार, कोई तो होगा।
देख इधर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अभी तो सन्नाटा खिंचा हुआ है इधर, क्या बात है। शाहरुख मेरे भाई देख यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अभी देख चाचा, अब आगे ले ले, आगे वाले से पूछ रहा है। यहाँ जानते भाई ये बैठा हुआ है, देखते पूछ। ओ भाई साहब यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है क्या पलेटो में? हाँ बेटा ये हॉस्पिटल तो है, लेकिन तुम गलत आगे बेटा, इसके आगे वाली गली है। आगे से जाकर राइट ले लो या पीछे से जाकर लेफ्ट ले लो, वहाँ पर इतना कर लो। अरे शुक्रिया अंकल, शुक्रिया अंकल। अब शाहरुख ये यहीं से ले ले। हाँ यहीं से ले ले, जल्दी ले ले, यहीं से ले ले। और यहाँ तो मोड़ ले, अब आगे वाले से मोड़ ला। हाँ यहाँ अभी ये क्या है, ये तो होटल लग रही है। अब शाहरुख तू ये सब छोड़, यही वाला रोड है शायद। अब जानते सीधे सीधे जान देता हूँ, अब यहाँ से राइट ले लेते हैं। हाँ यहाँ तो यहीं सीधे सीधे बोल रहे थे वो, वहाँ यहीं कहीं होगा। ये क्या है, अब ये रहा लगा 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 यहीं लगा साइड में। हाँ चारों का यहीं लगाता हूँ। बाबा हाँ मुझे टेंशन हो रही है, तू कर यार उनको कुछ नहीं हो। अबे कुछ भी नहीं होगा, अबे वो भी मोटी चमड़ी के हैं, तू कहाँ लगा हुआ टेंशन ले रहा है। बहुत मोटी चमड़ी है उनकी, बंदूक का कुछ भी नहीं घुस सकता उनके सीने में। अब शाहरुख सीने में नहीं, उनकी फसल के नीचे। अरे हाँ तो वही कह रहा हूँ, फसली के नीचे भी तो खाली होती है ना। हाँ शाहरुख भाई सही कह रहा है तू। शाहरुख मेरे भाई है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पसीन तक फेंक गया। अबे मोटे मैं जानता हूँ यार तू बहुत घबराया हुआ है, लेकिन इधर दिमाग से काम ले यार, तू हर कुछ मत कर, अभी तेरे अब परेशान हो जाएंगे फालतू का। चल अभी अंदर चल। हाँ शाहरुख भाई तुम सही कह रहा हो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तो खुश रहा हूँ अंदर भाई। अबे यहीं कहीं ये कैसा एंट्रेंस है, अबे तू आना, तू कहाँ रह गया? अबे मोटे मेरे को तो उल्टन लग रहा भाई, मेरे को खून देख के उल्टियाँ बेहोश होने लगता हूँ। एक काम कर मेरे भाई, तू होके आ जा। अबे शाहरुख भाई तू ही तो एक हौसला दे रहा था यार। अबे हाँ मुझे मालूम है, लेकिन यार देखो ना खून देख के बेहोश हो जाती है यार मेरे भाई, तू चले जा भाई। चल शाहरुख तू यहीं खड़े ना, मैं होके आ रहा हूँ। दुआ कर यार मेरे भाई शाहरुख, है ना? ठीक है मोटे मैं दुआ कर रहा हूँ, तुझे जल्दी से हो गया, बता क्या इन्फॉर्मेशन है अंदर की। ठीक है चलो रिसेप्शन वाले से पूछता हूँ। अरे सर यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल केस आया क्या अभी? हाँ बेटा अभी एक केस तो आया जिसकी गोलियाँ लगी हुई है। हाँ सर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अभी वो किधर है? बेटा ये दिख रहा है ना गेट, तुम यहाँ से चले जाओ अंदर। अभी यही वाला लग रहा है मुझे तो, यही वाला है शायद। हाँ यही वाला है। चलो ये कौन सा दरवाजा है, कौन सा पोस्टमार्टम रूम है? चलो ये नहीं है, ये तो वार्ड है। इससे बाहर निकलता हूँ। ये कौन सा है? ये तो स्टाफ का यार, कहाँ क्या है भाई, हॉस्पिटल है पजामा, और कहाँ है? एक ये है, ये तो लोग खड़े हैं। अबे ये यही तो है वह, अबे यही तो है वह। अबे शापू चाचा ये तो है, अबे लेटे हुए उनका तो ऑपरेशन चल रहा है। पूछ लूँ क्या, डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं यार मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं तो पूछूंगा। डॉक्टर साहब इनकी हालत कैसी है, बेहतर है? तुम्हें परमिशन किसने दी, तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर जाओ। ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया, कितनी बुरी कंडीशन है यार चाचा की, खून पे खून बह रहा है उनका। अरे यार ये कौन कम वक्त थे, सालों ने गोली चला दी, मिल जाए ना कसम से जिंदा चला दूंगा उनको। मेरे चाचा पे गोली चला दी यार उन लोगों ने। अरे यार मैं पापा को बता दूँ यार, मेरे तो सफर नहीं हो रहा भाई, क्या करूँ यार क्या करूँ। एक तो ये शाहरुख भी नहीं लगाने में तो घुस रहा हूँ अंदर। अरे डॉक्टर साहब बताओ ना क्या मसला इनका है, मतलब बच पाएंगे? ऑपरेशन चल रहा ना, तुम भर जाओ। किसी के भी बाप में दम है ना, अगर तुम मुझे हटा के दिखा दे मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जब तक तो मैं पूछूंगा नहीं और तुम लोग बताओगे नहीं। कैसी हालत है इनकी, जल्दी बता दो यार डॉक्टर साहब। बेटा वैसे तो हम डॉक्टर है, बाकी तो बचाने वाला ऊपर बेटा वही बचा सकता है इनको, क्योंकि इनके 2% है बेटा बचने के, बाकी तुम दुआएं करो। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, क्या करूँ मैं, चला शाहरुख के पास जाता हूँ उसको बताता हूँ। अब शाहरुख यार अब ये सुनेगा तो पता नहीं क्या कहेगा, मैं तो यार अब्बू को बता देता हूँ, मैं नहीं झेल पाऊंगा ये टेंशन, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है भाई। एक तो ये शाहरुख पता नहीं कहाँ चला जाता है। अबे शाहरुख किधर है? अबे बहुत बड़ा मसला हो गया, 2% चांस है यार उनके। अबे कहाँ है यार ये? एक तो यार ये बंदा भी अलग ही किस्म का इंसान है, अभी पीछे कहाँ से आ गया? अबे कहाँ गया था? अबे मर्डर यही तो था, मैं वहाँ तक टहलने गया था, थोड़ा सा मेरा टेंशन हो जाता था, बीवी बढ़ जाता, डॉक्टर ने कहा था चलने से बीवी डाउन हो जाता है। अबे शाहरुख तू ये सब छोड़, मेरी बात सुन, अबे चाचा के 2% चांस बचने के। अब बता मैं तब को लगा रहा हूँ।